विद्यार्थी और राजनीति। विद्यार्थी और राजनीति का संबंध वर्षों से शुरू हुआ। ना तो इससे पहले कभी विद्यार्थी राजनीति में आए और ना ही इस पर कभी चर्चा हुई। वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन भी राजनीति नहीं थी, वह तो केवल देशभक्ति थी। उस समय मातृभूमि की आज़ादी का प्रश्न था, इसलिए गांधी जी ने देश के नवयुवकों को अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए आंदोलन की ओर धकेला। आज़ादी के बाद जब आंदोलन समाप्त हो गया तो इसने राजनीति का रूप धारण कर लिया और यह छात्र जीवन के लिए अत्यंत घातक है। विद्यार्थी का काम है शिक्षा अर्जित करना, ना कि उसका उपयोग करना। वह अपना जीवन कला सीखने का समय है, प्रयोग का काल नहीं। विद्यार्थी की अवस्था में उसका ध्यान केवल विद्या प्राप्ति की ओर होना चाहिए, ना कि राजनीतिक छल कपट की ओर। सुकरात ने कहा है, राजनीति अपराधियों के लिए अंतिम शरणालय है। ऐसे क्षेत्र में विद्यार्थियों को झोंकना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। जो छात्र राजनीति के फेर में भटक जाते हैं, उन्हें जीवन भर इसका दुष्परिणाम मिलता रहता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति का पहला पाठ स्कूल कॉलेज में ही सीख लेना चाहिए, परंतु कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्र राजनीति का दुष्परिणाम देख चुके हैं। जहां चुनाव होते हैं वहां अक्सर हड़ताल, बंद, आंदोलन, लड़ाई, झगड़े ये होते रहते हैं। अपरिपक्व विद्यार्थियों के हाथों में राजनीति का बारूद दे देना बंदर के हाथ में तलवार दे देने के समान है। छोटी उम्र में राजनीति के दांवपेच में उलझना शिक्षा का माहौल खराब करना है। यही कारण है कि बहुत से प्रांतों में विश्वविद्यालय में चुनाव पर प्रतिबंध है, क्योंकि चुनाव छात्रों को भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं और विद्या ही उनका मुख्य अर्जन होना चाहिए, जबकि चुनाव उन्हें एक गलत रास्ते पर लेकर के जाता है। राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए शांति और अध्ययन छात्रों के लिए अनिवार्य हैं। छात्रों को विद्यालयों को विद्या प्राप्ति का आदर्श स्थल बनाना चाहिए, ना कि राजनीति का अड्डा। और विद्यालय में राजनीति का प्रवेश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।